हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ आमिर। फोटो डाफ शाफ सी एस 3 के कंप्लीट उर्दू कोर्स के लेसन नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेंट बकेट टूल, ग्रेडिएट टूल के बारे में बताया था। आज मैं आपको मज़ीद कुछ टूल के बारे में बताऊंगा। पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। और एक पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। ओपन किया और ये वाली कर लेते हैं। अभी ओपन हो गई है। अब हम इसे का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे रेजर टूल की मदद से। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद हम इसमें इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और इसकी सिलेक्शन करते हैं। ये तकरीबन सब सिलेक्शन हो गई है। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये थोड़ा सा अंदर चला गया है। और अब हमें कंट्रोल और डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारे कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं कि ये हमारी शेल का रंग ख़त्म हो गया है, तो हम इसे दोबारा से वापस लेके आएंगे। तो हम क्लोज स्टम टूल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह ये वापस आ रहा है। ये जितना हमें चाहिए होगा उतना हम वापस ले आएंगे। इसी तरह इस टूल का और भी बहुत से काम हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। न्यू फाइल ओपन हो गई है। ग्रेडी टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी मदद से हम बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। इसी की मदद से हम यहाँ पे दो कलर सेलेक्ट किए हैं मैंने। इस तरह से ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया। ये किस तरह का, जिस तरह का आपको चाहिए। ये क्लियर नॉर्मल पर है। इसे हम किसी और में भी ला सकते हैं। ये अब इसे में ला सकते हैं हम। ये इसकी मदद से हम बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल जेड, ये इसकी मदद से हम यहाँ से कोई नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे और ये इसकी मदद से हम अपनी पसंद का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये आगे मज़ीद टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे नेक्स्ट टूल है ब्लोर टूल। इसकी मदद से हम फोटो को ब्लोर कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड चेंज करने के बाद ये जो रह जाते हैं इसे हम ब्लोर करेंगे। इसकी ओपेसिटी 100 कर देंगे और इस तरह से इसे
ये ब्लोर करते जाएंगे इस तरह से, ये या ब्लोर हो रहा है, ये इससे मैं नेक्स्ट टूल जो है वो है टेम्प टूल, ये ब्लोर की हुए को वापस लाता है, ये इसकी पी पेस 300 कर देंगे और इस तरह से ये इस तरह से ये वापस ले आएगा। इसी में नेक्स्ट टूल जो है वो है स्टम्प टूल, ये बालों को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखो, और भी इससे बहुत से काम किए जा सकते हैं, ये इसका काम इंतहाई बारीकी से करना पड़ता है, ये कंट्रोल ऑल जेड, हमारे पास नेक्स्ट टूल जो है ये है डोगियो टूल, ये वाइटनेस को बढ़ाता है, ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारी फोटो को सफेद कर रहा है, ये इसी में नेक्स्ट टूल है बर्न टूल, इसकी मदद से हम अपने बालों को मज़ीद ब्लैक कर सकते हैं, इस तरह से ये हमारे बालों को ब्लैक कर रहा है। नेक्स्ट टूल है स्माइल टूल, ये टूल हमारी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करेगा, इसकी ओपेसिटी 100 कर देंगे, ये 1 मिनट, ये हमारी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर रहा है, ये देखो, ये साइज बड़ा कर लेते हैं, किधर गया, ये हमारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गई है, ये इसकी मदद से हम अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टूल कंट्रोल जेड प्रेस करें, कंट्रोल आर और जेड को प्रेस करने से काम की बैग जाता है, अब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में काफी बैग आ गया है। इसके अलावा हम इसका साइज छोटा कर लेंगे, ये नेक्स्ट टूल है पेन टूल, पेन टूल को बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए और बहुत से ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेन टूल काफी अच्छा टूल है, ऐसे ऐसे
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। पेन टूल के बारे में मैं मज़ीद अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें प्लीज़ प्लीज़। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।